चलते एक आदमी पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हालत बहुत बुरी हो रही है, मैं भी कपड़े सुखा के आई हूँ मैं छत से। और आज बड़मावस, अभी अब हम रेडी रेडी होंगे, आज पक्का खाना बना है, बड़मावस है ना, तो अभी हम पूजा वूजा करेंगे और ये बच्चों को खाना आगे बच्चे खाएंगे। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया ना, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा, बस काम मम्मी लग रहे हैं और फिर हम लोग करेंगे पूजा वूजा, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। खाना खा रहे हैं, रेडी हो गई यहाँ पे। बताए हम दोनों ने सेम लहंगा लिया था बट ये पहन नहीं रही है, ये कह रही मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहीं पहनूंगी, मैं तो सूट डालूंगी, वरना हम दोनों सेम सेम पहन लेते हैं। आज बड़वावस सोचा, बड़वावस से मम्मी के घर पे तो सेम सेम पहनेंगे, तो बट इसको गर्मी ज्यादा लग रही है, ये पहन नहीं रही। अब हम लोग बड़े पेड़ में करते हैं तो बड़े पेड़ में गांठ थोड़ी ना लगती है, कोई बड़े पेड़ में घूम के रख देते हैं। मैं पेड़ वाली से लाई थी तो पेड़ से तोड़ के लाई थी। अच्छा वो ले लो, लुटिया ले लो, तो फिर तो लेके बैठना चाहिए, तो फिर पेड़ों में नहीं लगाते हैं, और जब हम कोई मन्नत मांगते हैं तो गांठ बांटते हैं, तुम घरों आते हैं। कोई बात नहीं, राजा महाराजा से कहा यमराज ने सत्यवान सावित्री की पत्नी प्राण छोड़ी, सत्यवान सावित्री ने अपना मत स्वाप लौटाया, वैसे ही सब अपने भैया पत्नी पति ने अच्छा था। बस यही होती है इनकी, तो हमेशा यही होती है। चुटकी में चावल लिए, चमची में दूध लिए, कौन बनाएगा इनकी किसी खीर। एक बुढ़िया बोली तिलाओ रिना के तल में बनाऊँ तुम्हारी खीर। उन्हें चुटकी के चावल दिए, चमची के दूध दिए और बोले तुम्हारे घर में सबसे बड़ा जो बर्तन हो उस पर ये चुटकी का चावल और चमची का दूध डाल देना। कल तो बोली है भूखी मर रही थी, आज खीर बांटती बोल रही है, तो जैसे हुआ कैसे हुआ। क्योंकि चांदी के कटोरे में उसका चेहरा तो जब दिखेगी जब आँख आ जाएगी, चांदी कटोरा जब ही आगे जब धन होगा। बिंदी के ऊपर ही लगा दो, अब सही है, छुआ मत ना बिंदी के ऊपर, दोनों चीजें हैं। ये वो के पत्ते आज के दिन
लोटिया में उसमें दोनों में सलामत नवे दो तोड़ तोड़ के दो एक एक तो बांधी लो सबको अपने सलामत कम है लवी तो है लवी में तो तुम भी हो बेटा शर्मा गई सब लोग सब पे जा रहे हैं यार अंदर क्या सुबह खोलू क्या मैं अरे मेरे को मम्मा आप आगे आओ ना दिखी नहीं रहे अरे हाथ लगा लो सबकी पूजा एक ही है भाई ये भाई की भाई अपने कड़े कड़े पर गम्मा दे लेना भाई पैर झड़ गए हम तो जा रहे हैं भाई चप्पल पहन लो मैं तो पहन के ही नहीं आई थी कौन पहन एसी चल रहा है बहुत गर्मी लग रही चेंज कर लिया और मैं अपना खाना रही पूरी सब्जी और खीर मांस खाती हूँ भूख लग गई आज चाय भी नहीं पी तो चाय तो शाम को पीऊंगी अब मैं अब चाय का टाइम तो है नहीं अब मैं ये खा लेती हूँ पहले तो खाना पीना वगैरह हो चुका है मैं रात में भी देर से सोई थी 3-3.30 बजे के लिए सोई थी तो मैं थोड़ी देर सो जाती नींद आ रही है पूड़ी वूड़ी खा के नशा सा हो गया बिल्कुल पूड़ी खा के थोड़ी देर सो के फिर मैं मिलती हूँ 5 बजे उठूंगी अभी 3 बज रहे हैं अब सो जाती हूँ ओके अभी भी हो गई आगे कुछ अंदर कुछ तेज चल रहा है वहाँ ओह माय गॉड ये पानी तो अंदर ही आ रहा है पूरे में बंदा 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 निकल गया पानी कैसे निकल गया तो बाहर निकल ओहो मेहंदी क्यों लगाई जा रही है इसके उसकी शादी हो रही है तुमने क्या हुआ ना मैं कह रही हूँ नहीं आ रहा ओहो मिट्टू आ गया बाहर मिट्टू आ गया बाहर अपने आप सर मिट्टू तो दिन भर हमारे हॉल में ही बैठा रहता है लेकिन कल क्या हुआ बिल्ली आ गई गेट से और उसके पिंजरे में तो थैंक गॉड मिट्टू अंदर था वरना वो उसी टाइम को खा जाती दिखाई मेहंदी अम्मी आज इसकी शादी है फ्रेंड्स हाँ सब लोग आ जाना इधर ही शादी में आरव की हो रही है अन्नी की हो रही है शिवान की हो रही है तीनों की एक साथ कर रहे हैं तुमने तो मैं दो दूल्हे एक दूल्हा ने बताओ मैंने नहीं तो नहीं बाबू आरव देख रहा है मैंने क्यों हो रहा है तबीयत खराब हो रही है इसकी पता नहीं क्या हो गया 2-3 दिन से पेट में दर्द जी में चलाया जा रहा है इसको तो मैं इसको लेके आज डॉक्टर से जाऊंगी अभी 6 बजे जाने 6:30 बजे बैठता है डॉक्टर अभी 5:30 हो रहे हैं तो मैं इधर बना रही हूँ अभी चाय अन्नी क्या कर रही है दिखाती हूँ ये मेरी अन्नी ओहो कितनी सुंदर सुंदर मेहंदी लगा रही है मौसी ये परेशान कर रही है डाली है बिल्कुल भी नहीं कर रही दिखाई दे रहा है एक बार आगे से ओ बेटा हाय हाथ से करो बिल्कुल हाथ स्ट्रेट करो स्ट्रेट करो हाथ स्ट्रेट करो हाय हाय छोटे छोटे से हाथ से इतनी ननी ननी मेहंदी शादी हो रही है क्या आपकी नहीं हां हां शादी हो रही है तो क्यों लगवा रही हो ये अन्नी है अन्नी का दूल्हा है और यहां पर शादी हो रही है चाय ले आई हूँ अपनी चाय और बिस्किट क्योंकि आज सुबह चाय नहीं पीते ना तो हेडेक हो रहा है तो पहले चाय पी लेती हूँ सर का दर्द थोड़ा सा हल्का हो जाएगा चाय ना सब होकर मैं ले रही हूँ फिर बहुत तेज सर में दर्द हो क्योंकि आज सुबह चाय बिस्किट नहीं खाया ना मेरा ना व्रत वाले दिन यही होता है जैसे व्रत तो नहीं था बट आज लेकिन बिना पूजा करे कुछ खा नहीं सकते थे ना तो यही हाल होता है मेरा बहुत तेज सर फट रहा अब मैं जाके अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा ना अब मैं गोली खाऊंगी
तो अभी खड़ी हो पाऊंगी, इतनी देर हो गई बर्दाश्त करते करते, अभी तक ठीक नहीं हुआ। सोचा तो चाय पीने के बाद ठीक हो जाएगा पर लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ सर का दर्द। भाई मम्मी गोली देंगी तो आते सर। बहन खाना बनाने जा रही मैं, खाना तो खिचड़ी बन रही है तो कुछ में खाना क्या बना रही है। बेटा बाबू मैं सर दबा दे, बाबू बाबू मैं सर दबा दे, हंस के रहा है सर दबा दे, सर दबा दे बाबू मौसी का है। बाबू मम्मी आ तो रही है, मम्मी नहीं दबा रही है, मम्मी भाग गई, दबा दे। तो दोस्तों मम्मी की हो चुकी है तबीयत खराब, मम्मी का हो रहा है हेडेक और मम्मी बैठ गई है सर पे पट्टी बांध के और आंखों पे भी। मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया? तो मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। तो नानी बना रही है खिचड़ी, नानू खरबूजा खा रही है। तो ये देखो ये बिरयानी का टुकड़ा है और ये पता है ये अभी नेस नेस अपने मुंह में और ये पता टंग जमाता है अपने बहुत जोर जोर से और इसलिए पता है नाक उतर रही है फिर भी अपने ये उतार रहता है काला काला। देखो निकल गया पिज्जा। हाँ मोमोज पिज्जा और बर्गर दिया मामा के साथ चलेंगे, मामा खिला लेंगे। चलो अरे जोमेटो से ऑर्डर कर लो। मोनी मामा ऑर्डर कर लो जोमेटो से, डोमिनोज से। जोमेटो चलता है आता है ना, रोज आता है नीचे, रोज आता है नीचे। अच्छा है रोज सामान लेके आता है, दुकान पे बैठे बैठे जोमेटो से वहाँ जा रहा था पिछली गली में। ZOMATO इतना टोमेटो है, टोमेटो है वो, यहाँ चलता है वो, अफगानिस्तान में चलता है वो। तो आप अफगानिस्तान के ही तो हो, मंगवा लो। क्या बना रहा, मेरी बना रहे क्या? नहीं मेरी बना रहा थी क्या तू? शर्मा क्यों गए? रहने रहने दे, वो डाल लेगी, काटती भी नहीं है वो। क्यों काटे? मेरी नहीं काटती, अपनी काट देती है। अपनी तो सब्बा से काट देगी। क्यों काटे? क्या के बता, ये कौन सी फिल्म है? भिखारी। देगा कपिल, देगी कपिल, कपिल ही देगा। हाँ देखिए ना टिकरी, एक कपिल वाली कपिल, कपिल वाली उसको पूछता है ऐसे देख ऐसे देख ऐसे देख ऐसे। ये कौन सी फिल्म है पता नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, नाम नहीं कर सकते। चल बता दूसरी फिल्म का नाम, ये कौन सी फिल्म है? हर बार अलग फिल्म का नाम बताएगा इसको, दिखा दिखा के ऐसे दिखा दे दिखा दे, वो पागल हो जाता है। अभी 9 बज रहे हैं, मैंने तो सबसे पत्ती बात कर ली थी, बहुत देर से सूझ रही है मेरी आँखें तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पत्ती बांध तो अभी भी जैसे उठी हूँ, नींद भी नहीं आ रही क्योंकि सर का दर्द अभी भी हल्का नहीं हुआ। अभी अपना खाना ले आई मम्मी ने, आज खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी खा लेते, सर का दर्द थोड़ा सा हल्का है, अब खाना खा लेंगे फटाफट से। शिवांग ने भी खाना नहीं खाया, शिवांग के पेट पे दर्द हो रहा था, अभी मम्मी ने दवाई दी है कोई पेट दर्द की और नाप उतर रही थी इसकी, पापा बेटे दोनों की नाप उतर जाती है। अब मम्मी ऐसी है। तो दोस्तों अभी बज रही 11:15, तो आज का सिंपल ब्लॉग था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ये शिवांग की भी तबीयत खराब हो रही है। शिवांग की मुझे लगा था कि डॉक्टर को दिखाऊंगी बट इसके नाप उतरी हुई है, तो इसके मामा ने इसकी नाप सही करी थी बट हुई नहीं मामा से, तो अभी कल दिखाऊंगी, निर्णयवासी रहेगा ना तब दिखाऊंगी। अब मैं दवाई वाई तो मेडिसिन वाले से ले आई बट कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि नाप उतरी हुई है, इसके पापा और बेटे दोनों की नाप उतर जाती है, बहुत दिक्कत है। अभी छोटी समय मैंने इसको धागा ही पहना दिया इसके अंगूठे में कि नाप नहीं उतरे बट फिर भी उतर जा रही। क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा? जी मिचला रहा अभी हो रहा है अभी भी?
फ़ायदा भी नहीं है गोली देने का, क्योंकि इसको होगा ही ठीक, क्योंकि गोली देने क्योंकि नाप है ना, गोली से भी ठीक नहीं होती नाप वगैरह तो। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड राधे राधे।